सवाल। नमस्कार, आपकी बात में आपका स्वागत है। वो फितरत जिसे है हर खबर की तह तक जाना। देखिए आपकी बात हमारे के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ IBC 24 पर। इस बार 148 लोगों को पद्म पुरस्कार देने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बार लालकृष्ण आडवाणी, श्री रविशंकर, स्वामी रामदेव, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, दिलीप कुमार, सरदार सिंह, पीवी सिंधु, रजत शर्मा को पद्म पुरस्कार मिलना तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में 4 नगर निगमों में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आज सीएम इंदौर में कई जगह रोड शो करेंगे। गुरुवार को उन्होंने राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों में धुआंधार रोड शो किया। रायगढ़ नगर निगम में MIC के गठन के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया है। विवाद की वजह 9 सदस्यीय MIC में कांग्रेस के 2 नाम शामिल होना है। महापौर ने MIC में जिन लोगों को शामिल किया है उसमें निर्दलीय 5 पार्षदों के अलावा 2 बसपा और 2 कांग्रेस के पार्षद भी शामिल हैं। भोपाल इंदौर के बाद सिवनी में स्वाइन फ्लू से 1 मरीज की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य इस बीमारी से पीड़ित हैं। उधर भोपाल में 2 दिन में 2 संदिग्ध मरीजों की मौत हो चुकी है। निजी डॉक्टर जहां मौत की वजह को स्वाइन फ्लू बता रहे हैं, वहीं सरकार इसे अफवाह करार दे रही है। इस मामले में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर अब नए मास्टर प्लान के जरिए यात्री सुविधाएं और इमारतें बढ़ाई जाएंगी। इस प्लान के तहत स्टेशन के दूसरी तरफ नए एंट्री गेट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही RPF कंट्रोल टावर सहित कई नई इमारतें बनेंगी। इसके लिए 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ के चावल की खुशबू अब पूरी दुनिया में महकेगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने चावल को फिर से सुगंधित बनाने का बीड़ा उठाया है। विश्वविद्यालय धान की 4 नई सुगंधित किस्में बाजार में जारी करने की सिफारिश राज्य सरकार से करने जा रहा है। Headline is brought to you by Fortis Open Jindal Hospital Research Center Raigarh, Sai Baba Eye Hospital Fafa B Baipur, Swapnil Builders Bhilaipur, Varghese Builders Dharampura Road Jagdalpur or Balaji Elaichi Yukt Gold Chai. नमस्कार, गाइड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सफलता पाने के लिए सही मार्गदर्शन बेहद जरूरी होता है और जीवन में ज्यादातर मार्गदर्शन हमें अपने आसपास के लोगों से ही मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे आसपास ऐसे लोग हों जो हमें सही चीजों के बारे में बता सकें। तो ऐसे में हमारी मदद वे लोग कर सकते हैं जो आज सफलता के शिखर पर पहुंच चुके हैं। हम उनके जीवन चरित्र से भी काफी कुछ सीख सकते हैं। आज गाइड के इस एपिसोड में हम जीवन में सफलता पाने के लिए सफल व्यक्तियों से मिलने वाली सीख के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जीवन में हर कोई सफलता पाना चाहता है और इसके लिए वो अपनी ओर से हर मुमकिन कोशिश भी करता है, लेकिन कई बार चाहकर भी हमें मनचाही सफलता नहीं मिलती और इस असफलता के पीछे हम अपनी कमियों को ढूंढने की बजाय परिस्थितियों को इसके लिए दोषी ठहराने लगते हैं। पर सच ये है कि अगर हम अपने आसपास मुड़कर देखें तो हमें ऐसे कई लोगों के उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीवन में लगातार मेहनत करते हुए सफलता पाई है। अपने जीवन में कई आभाओं और असफलताओं को देखने वाले ये लोग विपत्तियों के सामने कभी नहीं झुके, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। तब जाकर वे आज सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं और ऐसे ही लोगों को देखकर आप भी काफी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों के बाद भी सफलता प्राप्त करने वाले ऐसे ही लोग न केवल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मिसाल बन जाते हैं। और आप भी ऐसे ही लोगों से प्रेरणा लेकर जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने का हौसला पा सकते हैं।
क्योंकि जब कठिन परिस्थितियाँ और बाधाएं हमें आगे बढ़ने से रोकती है तो इन्हीं लोगों के जीवन से मिली प्रेरणाएं ही हमें हिम्मत दिलाती है और आगे बढ़ने के लिए हमें लगातार प्रेरित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और मैनेजमेंट गुरु विजय मिचिहितो बत्रा जी। अगर सफलता पाने को लेकर आपके भी मन में कोई सवाल या फिर उलझन इस वक्त आपको परेशान कर रही है तो आप इस प्रोग्राम में बत्रा जी से सीधे बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको डायल करना होगा हमारा टेलीफोन नंबर 400877। रायपुर से बाहर के दर्शकों को हम अपना कोड बता दें 077 पर। तो चलिए जब तक आप कॉल करके अपनी समस्या जाने हम जानते हैं सफलता के कुछ विषय में। बता जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। बहुत अच्छा मौका है जब हम आपको सुन समझ सकते हैं महसूस कर सकते हैं उन अनुभवों को जो आपके जीवन में और दूसरों के जीवन में रहा है। एक खास मौका है। सफलता के पद चिन्ह भी होते हैं जिन्हें देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद इसी रास्ते से गुजर कर किसी व्यक्ति ने सफलता पाई है। वो जो पद चिन्ह है संघर्ष के रूप में है, कठिनाइयों के रूप में है, चुनौतियों के रूप में है। उन पद चिन्हों से जो गुजर कर व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंच गया है क्या मायने रखता है किसी और की जिंदगी के लिए? देखिए बहुत बड़ा मायने रखता है ये चीज। मैंने बचपन में समझी कि अगर कोई कामयाब विद्यार्थी है तो उसके आसपास के दोस्त भी कामयाब है और जो नाकामयाब विद्यार्थी है जो गुंडागर्दी में पड़ गया उसके आसपास के भी जो है वैसे ही है। तो संगत का बड़ा असर होता है और वैसे ही आज की दुनिया में क्या है कि अगर मेरे आसपास ऐसे कामयाब व्यक्तियों की संख्या कम है तो मैं अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से ऐसे लोगों से जुड़ सकता हूँ जिन्होंने जीवन में कामयाबी हासिल की है। खासतौर पर आज के कार्यक्रम में मेरी ये उम्मीद है कि हम सात लोगों की हम चर्चा करें। एक है हमारे भीम जी भाई पटेल, एक बहुत ही गरीब किसान घर में पैदा हुए पर आज की तारीख में दुनिया में जाने माने डायमंड मर्चेंट्स में टॉप पे गिने जाते हैं। फिर एक सतीश धवन साहब करके हैं जो कि अब्दुल कलाम साहब के बॉस हुआ करते थे इसरो में और 1979 में जब फेल हो गया था मिशन SLV-3 का और प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे अब्दुल कलाम साहब, तो तब प्रेस कॉन्फ्रेंस सतीश धवन साहब ने ली थी और कहा था कि भैया मेरे लोगों ने काम किया है, मुझे और इनको रिसोर्सेज देने होंगे। और अगले साल 1980 में जब कामयाब हुआ था तो उन्होंने अपने जूनियर यानी कि अब्दुल कलाम साहब को कहा था कि आप तुम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिएगा। तो ऐसे जो दमदार लीडर होते हैं वो बहुत प्रेरित करते हैं। फिर हम बात करेंगे इंदिरा नोई की, एक साधारण घर से आई तमिलनाडु से, आज की तारीख में पेप्सी वर्ल्ड वाइड की वो CEO है। फिर हम बात करेंगे ई श्रीधरन जी की, अगर समय मिलेगा, जिनके बलबूते पे दिल्ली में मेट्रो बहुत कामयाब हुआ है, मेट्रो के साथ नाम जुड़ा है उनका और 79 ईयर ओल्ड के हैं और अभी भी लोग मिलते हैं उनको, मारते हैं कि आप हमारे साथ आके मेट्रो का काम आगे बढ़ाइएगा। फिर मदर टेरेसा। अब जहां तक आप देखेंगे क्रिश्चियन जगत में फादर कहीं है, ब्रदर्स कई हैं, सिस्टर्स कई हैं, पर मदर बहुत कम सुनेंगे आप। हर कॉमन स्कूल के प्रिंसिपल का नाम फादर होता है, जो पढ़ाते हैं जो भी है वो ब्रदर होते हैं, पर मदर कम सुनेंगे। और मदर टेरेसा कैसे हिंदुस्तान 17 साल की आयु में आई और जब उनका देहांत हुआ 168 देशों में उनका शुरू किया हुआ मिशन चल रहा है। और फिर साइना नेहवाल हमारी प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर, जब वो पैदा हुई थी तो उनकी दादी जी ने कहते हैं, उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि उनको देखने से इनकार कर दिया था, लड़की हुई है मेरे बेटे के बाद दूसरी लड़की है। तो उनकी माँ ने एक तरह की निष्ठा की कि मैं अपनी बच्ची को कुछ बनाऊंगी और आज की तारीख में दुनिया देखती है। और आखिर सात कैरेक्टर है विजय जी जिनके जरिए आज हम कोशिश करेंगे उनके जो जीवन की सफलता है उनकी चुनौतियों पर। किरंदन से इस वक्त फोन आया है हमें, प्रदीप ने कॉल किया है। प्रदीप बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए विजय जी से क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ नमस्कार, मैं प्रतियोगिता परीक्षा से युवक हूँ, प्रतियोगी हूँ मैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि प्रतियोगी परीक्षा में किस प्रकार का मैनेजमेंट किया जाए, किस प्रकार से मैनेज करके कैसे प्लानिंग करके सफलता पाई जाए, इसकी जानकारी मैं चाहता हूँ। बिल्कुल प्रदीप, हम चर्चा करते हैं। विजय जी जानना ये चाहते हैं कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की ये तैयारी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाए, कैसे प्लानिंग की जाए कि जो सफलता जो है वो हासिल कर सकें। बहुत खूब, इनका नाम मैं सुन रही हूँ प्रदीप भाई। मैं एक चीज ये कहूंगा कि अगर आप इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तैयारी करना चाहते तो 8 घंटे रोज सोना बड़ा जरूरी है।
आठ घंटे आप सोइए, सोने से पहले या हो सके तो थोड़ा गुनगुना दूध पीजिएगा, और जितना कम हो सके आप सनसनी चीजें ना पढ़िएगा ना देखिएगा, ताकि आप चैन से सो पाए। आठ घंटे अगर आप सो गए तो सुबह समय पे उठिएगा, अगर हो सके तो 6 बजे करीब आप उठिएगा, और उसके बाद हर 1.5 घंटे में अगर 15-15 मिनट की अगर ब्रेक लेंगे तो आपका शरीर और मन बड़ा तरल रहेगा। और इस डिसिप्लिन से अगर आप अगर अपना आने वाले दिनों को, हफ्तों को, महीनों को नियंत्रण में लेके आएंगे तो यकीनन आपकी कामयाबी निश्चित लगती है। बिल्कुल विजय जी, चर्चा हम कर रहे थे सात सफल व्यक्तियों के जीवन से। अगर सातों को हम देखें तो सातों के क्षेत्र अलग अलग हैं, सबके जीवन का उद्देश्य अलग अलग है। मदर टेरेसा की हम चर्चा करना चाहेंगे। शुरुआत में जैसा कि मदर टेरेसा का जिक्र आपने किया, मदर टेरेसा के जीवन में सेवा, समर्पण, त्याग, ममता, इन भावनाओं को हम देखते हैं जो निस्वार्थ भाव से उन्होंने पूरी दुनिया में लोगों और बच्चों के जरिए उन्होंने फैलाया। ये जो जब इतनी बड़ी सफलता के पीछे जब हम देखते हैं काफी कठिन चुनौतियां होती हैं, संघर्ष होता है, त्याग होता है, इसे किस तरीके से जीवन में हम अपनाएं? देखिए, मदर टेरेसा जब 17 साल की उम्र में आई थी, बड़ी साधारण सी एक महिला थी, और जीवन काल में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। तो अगर आप और मैं इनकी जीवन की कहानी को देखेंगे तो एक चीज समझ में आती है कि लाइफ इज अ मैराथन, नॉट अ 100 मीटर रेस। कोई 100 मीटर की रेस नहीं कि आज मैं गिर गया, कल मैं हार गया, लगातार चलना होगा। जैसे दिल हमारा लगातार धड़कता है तो इंसान होने के नाते हमें भी लगातार एक दिशा में चलना होगा। बिल्कुल, ये प्रेरणा हम ले सकते हैं इनके से। मीना जुड़ चुकी है हमारे साथ, विजय जी रतलाम से इन्होंने हमें फोन किया है। मीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए आप क्या जानना चाहेंगे आज? हाँ जी मैम, नमस्ते जी। नमस्कार जी। मैंने मतलब ये डिमिशन मेरा तैयार किया था, मतलब डस्टबिन, मतलब अंडरग्राउंड डस्टबिन। फिर से बोले मीना जी, आपकी आवाज साफ नहीं पहुँच रही हम तक। हाँ जी, मैंने मतलब प्रोजेक्ट को तैयार किया था, हाँ, अंडरग्राउंड बिग डस्टबिन के नाम से जी। और मैंने मतलब गलती से मतलब ये मैं वेबसाइटों पे डाल दिया था, हाँ, तो कई जगह पहुंच गया। क्या जानना क्या चाहती हैं? नहीं मिला। हेलो, क्या जानना क्या चाहती हैं आप? हाँ जी, मैंने गलती से डाल दिया था, सिक्योरिटी बटन दबाया तो वो रिंग हो गया था मोबाइल। सवाल जो है आपका स्पष्ट नहीं है, चलिए हम चर्चा को अपनी आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, ये एक अहम चीज आपने मदर टेरेसा के जीवन से सीखने वाली बात की कि आप अपनी जिंदगी को छोटी दौड़ में सीमित ना करें, लगातार चलते रहें, और इस लगातार चलने में जो भी चुनौतियां आपको आती हैं उसको आपको मुकाबला करना है। सतीश धवन का जिक्र आप कर रहे थे। सतीश धवन जो है, अगर जैसे विक्रम साराभाई साहब जिन्होंने स्थापना की शुरू की, उसके बाद सतीश धवन साहब का नाम बहुत लिया जाता है, इनमें पर्सनल पावर बड़ी स्ट्रांग थी। ये पोजिशनल पावर के नशे में बहते नहीं थे, थे इसरो के हेड। चाहते तो जब ये नाकामयाब हुआ SLV का लॉन्च 1979 में, तो अब्दुल कलाम के ऊपर ये जिम्मा थोप सकते थे क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, पर उन्होंने कहा नहीं, चाहे मेरी पोजीशन कुछ आज आए ना आए, मैं जिम्मा लूंगा। जिम्मा लिया उन्होंने, और अगले साल जब कामयाब हुआ तो उन्होंने अब्दुल कलाम को आगे कर दिया कि तुम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस दो। मतलब एक ये इस जो प्रकरण से हम ये समझ सकते हैं कि केवल असफलता के लिए आप दूसरों को जिम्मेदार न ठहराकर उस असफलता को भी अगर आप मुकाबला करते हैं तो आपके अंदर में और एक जज्बा पैदा होता है। सुनील ने कॉल किया है डोंगरगांव से। सुनील, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मैडम, मैं क्या है, व्यापार करता हूँ। सुनील थोड़ा जोर से बोले। मैं क्या है, गाड़ी लाया हूँ मालका, मैं ठेकेदारी लोन सक्सेस करना चाहता हूँ, लेकिन मन में घबराहट रहती है, मैं सफल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। कैसे मन की घबराहट पर काबू पाया जाए, ये भी एक अहम सवाल है विजय जी। बहुत खूब। देखिए, किसी भी चीज को जब शुरू करेंगे तो हल्की सी घबराहट होगी, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, डर के आगे दर्द, दर्द के आगे सीखे आगे। तो छोटे छोटे कदम लीजिएगा, आप लोगों से जाके बातचीत कीजिएगा। जैसे नरेंद्र मोदी साहब कई साल पहले चाय पेशा करते थे, आज की तारीख में बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ इनकी बातचीत होती है। तो मैं इनसे यही कहूंगा कि अगर ये गाड़ी को इन्होंने शायद खरीदी है और उसके बिजनेस में आना चाहते हैं तो लोगों से बातचीत करना शुरू कीजिए। करते 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 इनको धीरे धीरे एहसास होगा, इनका बल बढ़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो बात की बात है, करना पहले आपको पड़ता है। तो चुनौतियों से न घबराएं और शुरुआत जरूर करें तो सफलता की तरफ एक कदम आपका जरूर बढ़ाता है। कुछ और अहम चर्चा हम इस प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन से आपसे हम लेंगे विजय जी। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक। थैंक यू।
से इच्छा थी आसमान छू लेने की, पूरी दुनिया में छा जाने की, बस तलाश थी एक मौके की, उस सुनहरे मौके की जिससे मैं अपना सपना पूरा कर सकूं, अपने अरमानों को पंख दे सकूं। IBC 24 दे रहा है आप लोगों का पूरी दुनिया में अपनी थाप जमाने का। अगर आपकी उम्र है 20 से 40 साल और आप में है समझ और बोलने की कला, तो फिर आज ही भेज दीजिए अपना वीडियो और शुरुआत कीजिए अपने नए सफर का एक एंकर के रूप में फिल्म IBC 24 के साथ। वीडियो भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9630008128 या फिर हमारे वेबसाइट film.ibc24.in पर सीधे अपलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे मेल आईडी events@ibc24.in पर संपर्क करें। वीडियो भेजने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2015। विकास की संभावना होगी अनंत जब साथ होगा आपका बसंत। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3 से लोकप्रिय प्रत्याशी बसंत आडिल को पतंग छाप में मुहर लगाकर जिताएं। घट नीचे। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में, इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। आरती ग्रुप लाए हैं अशोका रॉयल 2BHK एंड 3BHK प्रीमियम फ्लैट्स एट अशोका रतन शंकरनगर रायपुर विद क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, वर्ल्ड क्लास यूनिसेक्स जिम्नेशियम एंड मेनी मोर। फॉर बुकिंग कॉन्टैक्ट आरती इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिकॉन लिमिटेड, कॉल 9770550550। राजधानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर, सर्वोत्तम उपचार सबका अधिकार। 70 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। आर्थो, न्यूरो, गायनी, जनरल सर्जरी के लिए अलग अलग ऑपरेशन थिएटर, निःशुल्क OPD, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, सोनोग्राफी, एक्सरे, पैथोलॉजी, ECG, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सेवा। राजधानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पचमेड़ी नाका रायपुर। समृद्धि सूट्स एंड साड़ी, अपनी शादी को बनाए और भी खास, एक्सक्लूसिव वेडिंग कलेक्शन के साथ समृद्धि सूट्स एंड साड़ीज, भंसाली हाइट, सेकंड फ्लोर, सदर बाजार, रायपुर। स्पेंसर्स जीतो छप्पड़ फाड़ की ऑफर 23 से 26 जनवरी 2015 तक। इस 66वें गणतंत्र दिवस को पाइए 66% की भारी छूट। तो आज ही आइए स्पेंसर्स हाइपर अंबुजा सिटी सेंटर मॉल, विधानसभा रोड, रायपुर में, और पाइए ढेरों ऑफर्स। शर्तें लागू। अब सूचना आपके हाथ में, छत्तीसगढ़ शासन की आधिकारिक सूचना, समाचार के साथ साथ विभाग और जिलों की जानकारी पाएं। अब अपने मोबाइल पर एंड्रॉइड मोबाइल धारक गूगल प्ले स्टोर से निशुल्क डाउनलोड करें छत्तीसगढ़ DPR मोबाइल ऐप। अब सरकार की सारी जानकारी आपकी जेब में। मुझे फख्र है कि मैं एक भारतीय हूँ। आइए इस गणतंत्र दिवस को हम अपने अपने धार्मिक व सामाजिक स्थलों पर तिरंगा फहराकर इस पर्व को मनाएं और एक प्रगतिशील समाज का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इनिशिएटिव बाय ऋषभ बिल्डर्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गाइड में। आज इस कार्यक्रम में विजय हितो बत्रा जी हमारे साथ में मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं हम ये जानने के उनसे कि सफलता के पद चिन्हों को हम कैसे पहचाने और कैसे उन रास्तों पर चलकर अपने लिए हम सफलता हासिल करें। भटगांव से कॉलर जुड़ चुके हैं, नैदित्य ने हमें फोन किया है। नैदित्य, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हाँ सर, नमस्ते सर, मैं नैदित्य कुमार भटगांव से हूँ जी। मैं 10वीं में हूँ सर और मेरी बहन 12वीं में है। कृपया बताएंगे कि बोर्ड की तैयारी किस प्रकार करनी है, एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। देखिए, पहले भी कॉलर साहब आए थे तो मैं कहूंगा कि आपके लिए 8 घंटे रोज सोना बहुत जरूरी है और सुबह 6 बजे उठे और 1.5 घंटा पढ़े और 10-15 मिनट की ब्रेक लेते रहे और हो सके तो थोड़ा अपने आपको स्ट्रेच करें, योगा करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। 1.5 घंटे ज्यादा बिना ब्रेक के ना पड़े, जिससे आदमी का मन और शरीर बहुत थकता है और अगर इस तरह से अगर आप करते रहेंगे तो यकीनन आपकी कामयाबी हासिल होगी। हासिल होगी, बिल्कुल।
प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन का जिक्र हम कर रहे हैं और उनकी चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे जीवन में कुछ निराशा का दौर होता है, असफलता का दौर होता है विजय जी, तो हमें ये बातें बड़ी प्रेरणा देती हैं। अलग अलग व्यक्ति के जीवन से अलग अलग प्रेरणा हमें मिलती है। जब मेट्रो का जिक्र होता है, जब कभी भी, क्योंकि दिल्ली में जिस रफ्तार से मेट्रो चलती है, जितनी सफलतापूर्वक चलती है, तो उनके साथ जिस पर्सनैलिटी का नाम जुड़ता है, ईशीधरन का जुड़ जाता है। इनके जीवन से क्या हम सीख ले सकते हैं? देखिए, ईशीधरन साहब मतलब एक तरह के इनको पूजा जाना चाहिए। दिल्ली में अगर आज की तारीख में मेट्रो ना होती तो 4 लाख और गाड़ियां सड़क पे होती। इनको 3-4 साल तो लगे रेल मंत्रालय में जो लोग काम कर रहे हैं उनको समझाने के लिए कि जो इन्होंने प्लान बनाया उस पे चलें। मतलब उन लोगों ने एक तरह से इनके लिए काफी बाधाएं खड़ी कर दी थी, पर ये लगे रहे। ये 3:30 बजे सुबह उठते हैं। अच्छा। और 6:30 बजे तक अपना काम करते हैं, फिर सैर पे जाते हैं, फिर ठीक 6 बजे घर भी वापस आते हैं। ये घर क्यों आते हैं? क्योंकि अगर 8 बजे रोज रात को सोएंगे तो 3:30 बजे उठ पाएंगे। और उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि मैं मेट्रो बनाऊंगा, चलाऊंगा, मैं किसी उद्घाटन पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये बड़े क्लियर थे कि मैंने क्या करना है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, वेट भी हेल्दी है, और इन बिटवीन जो आपको करना है वही कीजिए, भटकिएगा मत। इनका अनुशासन जो है, ये इससे आप और मैं बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। बिल्कुल, मतलब अगर कोई आपकी जो नई एक सोच है उसको अगर बार बार नकार रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत हैं। आप उनको, सामने वाले को समझा के कन्विंस करके, अपनी जो एक नई चीज है उसके बारे में अगर आप अडिग रहते हैं तो एक नया आविष्कार जरूर होता है, जो हम लगातार देख रहे हैं। दूसरी चर्चा हम कर रहे थे इंदिरा नवी की, महिला होने के नाते एक जो ऊंचाई उन्होंने हासिल की है, ये भी एक चुनौती भरा ही कदम है। बहुत बड़ा। इनफैक्ट इंदिरा नवी जी के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे किसी ने पूछा कि आप इतनी कामयाब कैसे होगी। देखिए, अमेरिका में महिलाएं जो है सीईओ तक बहुत कम पहुंचती है, हिंदुस्तान की महिलाओं के अगर वो बन गई तो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि उनकी माता जी ने बचपन में एक चीज सिखाई थी उनको कि आप किसी से जब चर्चा करें बहस मत करो, अपनी बात जबरदस्ती मत थोपो। अगर उनकी बात सही है तो उनकी बात मान लो, अपनी बात सही है तो उनको मनाओ। कहते ये सीख जो मैंने अपनी माँ से ली, वो मैंने अपने जीवन भर करियर में अपनाया कि मैंने कभी किसी के साथ खामखा में बहस नहीं की। अगर उनकी बात सही थी तो उनकी बात मान ली, मेरी बात सही थी तो मैं अपनी बात मानती थी। शुरू शुरू में कई लोग सोचते थे कि जगह मैं बड़ी कमजोर हूँ, पर जीवन भर में जब लोग देखते हैं कि मैं ये कंपनी के बारे में सोचती तो उन्होंने धीरे धीरे करके मुझे ही उठा दिया। तो ये जो सोच इंदिरा नवी जी की है, ये मेरे को बड़ा ही इसने प्रभावित किया कि हम जबरदस्ती कभी कभी अटक जाते हैं, बहस करते हैं अपनी बात खाम खा में, गलत भी तो रखते हैं, उससे इंसान आगे कामयाबी ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकता है। बिल्कुल, अलग अलग तरीके से, अलग अलग व्यक्तित्व से हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं विजय जी, और आज ये मौका हमारे पास है। कुछ और पर्सनैलिटी है जिनका हम जिक्र करेंगे आपसे, फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। थैंक यू। के 4 महानगरों और 38 बड़े शहरों के 3 करोड़ से अधिक उपभोक्ता सेटअप बॉक्स द्वारा डिजिटल टीवी सेवा के अनेक लाभ उठा रहे हैं। 31 दिसंबर 2015 तक बचे हुए सभी शहरी क्षेत्रों में भी केबल टीवी डिजिटल हो जाएगा। अगर आप एमएसओ हैं या एमएसओ बनकर इन क्षेत्रों में डिजिटल केबल टीवी की सेवा देना चाहते हैं तो आवेदन की अंतिम तिथि अब 6 फरवरी 2015 है। अधिक जानकारी के लिए www.mib.nic.in या www.digitalindiamib.com पर लॉगिन करें। सेटअप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गाइड में। किरंदुल से जुड़ चुकी है हमारे साथ में संध्या। संध्या, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही थी, वो आईटी इंजीनियरिंग कर चुका है और वो अभी बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, ज्यादा सफल नहीं हो पा रहा है, तो उसको किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए ये जानना चाहिए। बिल्कुल विजय जी, मैं यही कहूंगा कि माँ होने के नाते आप उन पे दबाव ना डालें और हो सके तो उनको समय पे सुला दें। 8 घंटे सोना जरूरी है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज।
और उनको हर डेढ़ घंटे में कुछ अच्छा खाने को, बादाम की गिरियां या दूध, इस तरह से उनको थोड़ा ब्रेक भी दीजिए। और जब भी आप उनके पास जाए मुस्कुराते हुए जाइए मेरी बहन, क्योंकि जीवन बहुत लंबी दौड़ है, कभी लोग घबरा जाते हैं, लाइफ इज अ मैराथन नॉट अ 100 मीटर रेस। और आपसे निवेदन है कि इन कामयाब लोगों की जो हम थोड़ी बहुत चर्चा करें, आप भी हो सके तो इनकी आत्मकथाएं पढ़ के अपने बेटों को समय समय में उसमें से कुछ पढ़ के दिखाइएगा। अब्दुल कलाम साहब जब एयरफोर्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठे तो फेल हो गए थे और बहुत निराश हुए, और देखिए आज की तारीख में वो कहां से कहां पहुंच गए। तो अपने बेटे को आप समय समय पे, आप जैसे हम कहते हैं उनका स्विच ऑन करते रहिए, उनको आप प्रेरणाएं देते रहे अलग अलग कामयाब लोगों से। बिल्कुल, और इसी कामयाब लोगों की श्रेणी में हम साइना नेहवाल का भी अगर हम जिक्र करें तो कुछ संक्षेप में ही छोटे से टिप्स में चाहूंगी कि हम और क्या प्रेरणा ले सकते हैं। देखिए साइना नेहवाल जी जब पैदा हुई थी तो उनकी दादी जी ने उनको देखने से कहते इनकार कर दिया, कहते कि मेरे बेटे की दूसरी बेटियां पैदा हुई। तो तब उनकी माता जी ने एक तरह की कसम लाई कि भैया मेरी बेटी को दुनिया देखेगी, और उस जो कसम के कारण आज देखिए साइना नेहवाल खुद कहती हैं कि मेरी माता जी समय समय पर काफी स्ट्रिक्ट भी होती थी, एक दफा 13 साल की उम्र में मैच खेलते खेलते हार गई तो माँ ने एक चांटा मारा, कहते वो चांटा ने उनको फिर सेट किया। और आज की तारीख में देखिए साइना नेहवाल जी जो है दुनिया भर में कितना मतलब ऊंचा नाम कमा रही है। तो माओ का एक बहुत बड़ा रोल रहता है किसी के जीवन को उठाने में। तो मैं सब माओ को और पिताओं को यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई ना कोई प्रेरणा की चीजें पढ़ते हैं ताकि अपने बच्चों को उठाने में आपको कोई ना कोई आइडिया आता है। बिल्कुल, और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण बातों के लिए विजय जी आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो फिलहाल आज हमारे गाइड में इतना ही, आप देखते रहे IBC 24, मुझे दें इजाजत, नमस्कार। This program was brought to you by Sanghania Bitcoin Private Limited, 22 वर्षों का विश्वास, Fortis Ruby General Hospital and Research Center, Raigarh, Super Multi Specialty Hospital, मध्य भारत का अग्रणी एवं विश्वसनीय हॉस्पिटल रामकृष्ण केयर, पचपेड़िया का रायपुर, स्वप्न बिल्डर्स भिलाईपुर, हम मकान बेचते नहीं घर बसाते हैं, कोणार्क गोल्ड चाय बेहतरीन चाय जोश जगाए, डॉक्टर फरिश्ता हार्ट सेंटर, एक्सीलेंस इन हार्ट केयर, मानठिया हॉस्पिटल रायपुर, 100 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नाकोड़ा TMT, संकल्प मजबूती का रिश्ता सदियों का, और जैन चुस्की गोल्ड स्पेशल चाय, एक बार जरूर आजमाएं। मेरे पेरेंट्स को हमेशा एक ही टेंशन बनी रहती थी कि बेटी तो दिन भर टीवी देखती रहती है, किताबें अखबारों में घुसी रहती है, बड़ी होकर कुछ कर भी पाएगी कि नहीं। और देखिए मेरी वही आदतें आज मुझे इस मुकाम तक ले आई, थैंक्स टू IBC 24 जिसने मुझे ये मौका दिया। नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं IBC 24। IBC 24 दे रहा है आपको मौका पूरी दुनिया में अपनी थाप जमाने का। अगर आपकी उम्र है 20 से 40 साल और आप में है समझ और बोलने की कला, तो फिर आज ही भेज दीजिए अपना वीडियो और शुरुआत कीजिए अपने नए सफर का एक एंकर के रूप में फेम IBC 24 के साथ। वीडियो भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9630081128, या फिर हमारे वेबसाइट fame.ibc24.in पर सीधे अपलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे मेल ID events@ibc24.in पर संपर्क करें। वीडियो भेजने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2015। विकास की संभावना होगी अनंत जब साथ होगा आपका बसंत। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3 से लोकप्रिय प्रत्याशी बसंत आडिल को पदंग छाप में मुहर लगाकर जिताएं। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने पर श्री सुनील जैन को हार्दिक बधाई। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. डॉक्टर पॉल दिनाकरन और बहन इंद्रजुलिन पॉल द्वारा आनंद महोत्सव 23, 24, 25 जनवरी समय संध्या 5:30 बजे से स्थान कमल विहार कृष्ण पब्लिक स्कूल डींबा रायपुर। संपर्क करें संयोजक डॉक्टर आशीष चौरसिया। एस वन लाया है वर्ल्ड क्लास फर्नीचर का महासेल, सभी फर्नीचर्स पर 50% की भारी छूट।
ईस्ट ग्लोबल जी रोड तिलीबांदा रायपुर। विकास की संभावना होगी अनंत जब साथ होगा आपका बसंत। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3 से लोकप्रिय प्रत्याशी बसंत आडिल को पतंग छाप में मुहर लगाकर जिताएं। आप देख रहे हैं IBC 24 सवाल आपका है।